गुड इवनिंग स्टूडेंट राजे, अज आप स्टडी करते हैं लेंस बारे। अपने को लास्ट टॉपिक रही फ्रैक्शन फार्मूले बारे से, अज आप स्टडी करते हैं लेंस की होंगे, लेंस की टाइप बेसिक टर्मिनोलॉजी लेंस बारे आप स्टडी करते रहे। सब तो पहले लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिहड़ा दो कर्व सरफेस का बनया हुआ। ट्रांसपेरेंट मीडियम है मतलब दो जो मीडियम और ट्रांसपेरेंट होंगे तो बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस, दो कर्व सरफेस में लेके बनया हुआ उन्होंने आप लेंस कहते। टाइप ऑफ लेंस कन्वैक्स लेंस, कन्वैक्स लेंस आ हूँ इन कन्वर्जिंग लेंस भी बना कहें राजे। आ देखो दो बाउंडेड अपने को दो कर्व सरफेस ने बीच जो मीडियम और ट्रांसपेरेंट होंगे। सैकेंड होंगे कनकेव लेंस, कनकेव लेंस ना डाइवर्जिंग लेंस भी कहें, आ कनकेव लेंस है राजे इस शेप का। प्लेनो कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस के आ प्लेन होंगे तो अपने को कनकेव लेंस हों। प्लेनो कनवैक्स लेंस आ प्लेन होंगे तो अपने को कनवैक्स लेंस हों, इन प्लेनो कनवैक्स लेंस कहें। नैक्सट कनकेवो कनवैक्स लेंस, ये थोड़ा कनकेवो तो आडा कनवैक्स लेंस होंगे। कनवैक्सो कनकेव लेंस, ये कनवैक्सो तो यही कनकेव लेंस होंगे। तो छे तरह के अपने को लेंस ने नमेरिकल्स के यूज हो गए, पर आप जो स्टडी करना है वो दो लेंसों बारे ही पढ़ा, कनवैक्स लेंस तो कनकेव लेंस बारे। अज आप स्टडी करते हैं कि पहले तो फस्ट प्रिंसिपल फोकस की होंगे, सैकेंड प्रिंसिपल फोकस की होंगे, उस तो बाद आप स्टडी करते हैं कि जोड़े लेंस के रे डायग्राम बारे स्टडी करते हैं। ऑलरेडी टेंथ में पढ़े हुए पर तुम्हें थोड़ा जहा इन फैमिलियर कर दिया ताकि अगली डेरिवेशन तुम्हें समझ आ जाए। तो नैक्सट अपने को है सब तो पहला लेंस दे विच की हुंदा है, टर्मिनोलॉजी है आह लेंस है तुहाडे कोल, आ जिहड़ा हुंदा है इहनूं ऑप्टिकल सेंटर कहिंदे आ। उत्थे मिरर दे विच पोल कहिंदे सी, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज़ अ पोल, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज़ अ ऑप्टिकल सेंटर। इहदे रेडियो कर्वेचर, दो रेडियो कर्वेचर होणगे इधरली साइड भी ते इधरली साइड, जिहनूं एफ इधर फोकस एफ1 हुंदा एफ2 हुंदा है, ठीक है जी। प्रिंसिपल एक्सिस आ स्ट्रेट लाइन नूं आपां प्रिंसिपल एक्सिस कहिंदे आ। अज आप स्टडी करते हैं फस्ट प्रिंसिपल फोकस तो सैकेंड प्रिंसिपल फोकस की होता है। डिफाइन आ जाता है पिछली बार है फस्ट प्रिंसिपल फोकस, फस्ट प्रिंसिपल फोकस का मतलब की होंगे कि जी लाइट है वह अपने को जो ऑब्जेक्ट है वह उरे पाया हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस तो, उस तो बाद लाइट जी जा रही ने लाइट कन्वैक्स लेंस तो बजन तो बाद की हो जाए पैरल, इन आप फस्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फस्ट प्रिंसिपल फोकस पता लग गया कि जो पॉइंट्स है पॉइंट आ पॉइंट तो लाइट गई, इस लाइट जाने तो बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइटा की हो गई बिकम पैरल हो गया। एक कन्वैक्स लेंस के केस के एक कनकेव लेंस के केस के, ठीक है जी, कि और तो लाइटा गई एवें एवें हो गई, ठीक है। नैक्सट आता है सैकेंड फोकल पॉइंट, सैकेंड फोकल पॉइंट इस तो ओपोजिट है, ये पैरल लाइटा आनगियाँ आके अपने को फोकस से जाके मीट कर राजे, उन्होंने सैकेंड फोकल प्लेन या सैकेंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फस्ट प्रिंसिपल फोकस तो सैकेंड प्रिंसिपल फोकस, ओनली डायग्राम बनाने तुम्हें ड्रा लिखना बस ओनली नोट्स कि ड्रा या डिफाइन फस्ट प्रिंसिपल फोकस या ड्रा फस्ट प्रिंसिपल फोकस या सैकेंड प्रिंसिपल फोकस, ओनली डायग्राम्स। तो डायग्राम्स की कह रही राजे, आ अपने को है जे अपने को लाइट आ पॉइंट तो निकल रही है वजन तो बाद की होती है पैरल, ये फस्ट प्रिंसिपल फोकस। आज कोई लाइट पैरल है कन्वैक्स लेंस तो स्ट्राइक करने तो बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट से मीट कर जाती है, इनू आप सैकेंड प्रिंसिपल फोकस। हूँ आप रूल्स पढ़ते हैं कि जे लाइट कन्वैक्स लेंस से इमेज स्ट्राइक करे तो कितों पास होगी। तो सब तो पहला राजे आह अपने को कन्वैक्स लेंस है, अगर आ प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई लाइट ये पैरल जाती स्ट्राइक करने तो बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कितों पास होगी, फोकस तो पास होगी। अगर कोई लाइट फोकस तो निकलती है निकल के वह अपने को आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हो जाएगी। अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर तो जाती है तो अनडेविएट सीधा स्ट्रेट जी है वह पास कर देगी। आह तीन जे लाइनस रूल्स ने कन्वैक्स लेंस लिए, ये बस ओनली डायग्राम रखने, रूल फस्ट रूल सैकेंड रूल थर्ड। हूँ ये आप केस डिस्कस करते हैं, जिमें छे केसिस होंगे ने अपने को मिरर के, उमें अपने को छे केसिस डिस्कस कर रहे हैं। तो सब तो पहला केस कि जे ऑब्जेक्ट पाया ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के विचकार, आडा ऑप्टिकल सेंटर है आडा फोकस है, ऑब्जेक्ट उरे पे फस्ट लाइट जी है आ देखो उरे अपने को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल जा रही है, जाने तो बाद आफ्टर रिफ्लैक्शन फोकस तो पास होगी, पर तुम जानती कितने दिखेगी बिहाइंड द मिरर, ठीक है बिहाइंड द लेंस। इस तो बाद यही अपने को जी ऑप्टिकल सेंटर तो अनडेविएट निकल जाती है, पर मीट कितने होगी पीछे जिथे आह बनाया दोनों लाइट मीट करनी है दैट इज़ अ इमेज। तो इमेज जी बनी है वह की बनी है राय सह जरा वर्चुअल बनी है क्योंकि इधर बन रही है राय मिरर के होंगे सी जिधर ऑब्जेक्ट पे उधर इमेज बने रियल होंगे, पर लेंसिस के होंगे जिते ऑब्जेक्ट पे उधर उसी साइड जो अपने को इमेज बने तो वर्चुअल इरैक्ट तो मैगनीफाइड बनी है। तो करैक्टरिस्टिक्स याद रखना है कि जो मैं ऑब्जेक्ट को फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के रखा तो की करैक्टरिस्टिक्स बने इमेज। नैक्सट केस है कि जो मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा फोकस से राय आ राय
रखे फोकस से, तो फस्ट लाइट जी है ऑब्जेक्ट तो पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस तो पास होगी, सैकेंड ऑप्टिकल सेंटर तो पास होगी, दोनों लाइटा की हो गई पैरल। तेरा यह कितने कितने मीट करनी है, इस करके इमेज जी है इनफिनिटी से बनी तो रीयल बनेगी, इनवर्टर बनेगी तो बहुत मैग्नीफाइड। पहले आप ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की स्टडी किया, वो करैक्टरिस्टिक पढ़े, फिर हम फोकस से आ करैक्टरिस्टिक पढ़े। हूँ अपने को जो ऑब्जेक्ट एफ से टू एफ के हो गए, ऑब्जेक्ट एफ से टू एफ के पे आह और स्ट्राइक करने तो बाद फोकस तो पास हो गया इधर ऑप्टिकल सेंटर तो इमेज टू एफ तो बियॉन्ड बनी, तो बियॉन्ड टू एफ बनी रीयल बनी इनवर्टर बनी, तो नैक्सट की बनी मैगनी। इनवर्टर क्यों, क्योंकि आह ऑब्जेक्ट हो रहा है तो इमेज नीचे है, तेन इस करके इनवर्टर कहने हैं। रीयल क्यों, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट पे उधर अगेंस्ट बनती है तो रीयल इमेज होंगे। हूँ आप ऑब्जेक्ट न टू एफ से रखते हैं, देखो पहले आप केस स्टडी किया ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के विचकार, सैकेंड अपने केस स्टडी किया फोकस तो अपने को फोकस से, फिर फोकस से टू एफ के हूँ आप टू एफ से स्टडी करा आ लाइट जी है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस दे गई स्ट्राइक करने तो बाद फोकस तो निकली, दूजी फिर ऑप्टिकल सेंटर तो मीट की टू एफ से। तो और कई बार क्वेश्चन आ सकते एक मार्क्स के कि लेंस से आप कितने ऑब्जेक्ट रखीए जिथे इमेज जी है सेम बनती है सेम साइज की, तो कितने टू एफ से रखूंगा जी, क्लियर हुई गल अपने। नैक्सट फिफ्थ केस अपने को जे ऑब्जेक्ट आप टू एफ तो बियॉन्ड रखी, जे आप टू एफ तो बियॉन्ड रखिए तो वह कितने यूज हो अपने को, पहला अपने को लाइट गई तो आ स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने तो बाद फोकस तो पास होगी तो ऑप्टिकल सेंटर तो पास होगी, इमेज कितने बनी एफ से टू एफ के बीच, ठीक है जी। तो रीयल इनवर्टर से समालर साइज की बनी, अगर कोई पैरल लाइटा आ रही ने पैरलाइटा स्ट्राइक करने तो बाद हमेशा फोकस से मीट करती हैं, तो फोकस से मीट करनगियाँ तो अपने को एक ही बनेगी राय बहुत छोटी इमेज बनेगी, ठीक है जी, तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगी रीयल एंड इनवर्टर बनेगी। तो आ कुछ छे केसिस ने कि जे तुसी बिटवीन लेंस एंड एफ रखते हो तो अपने को पोजिशन कितने बनती है, नेचर सब तो पहले अपने को नेचर की है तो साइज एक करैक्टरिस्टिक्स ने इमेजिस के। हूँ मैं तुम्हें एक बार फिर दस दिना, पहला आप केस पढ़िया कि जे अपने को ऑब्जेक्ट में रखिए ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के विचकार तो इमेज वर्चुअल बनती है, ये कितने यूज होंगी है मैगनीफाइंग ग्लासिस के यूज होंगी है। आज जे आप एफ से रखिए तो इमेज इनफिनिटी से बनती है, ये सर्च लाइट्स हो गई स्पॉट लाइट उत्थे आह केस स्टडी करने ऑब्जेक्ट जोड़ा है एफ से पिया होंगे, जो ऑब्जेक्ट एफ से टू एफ पिया हो इमेज बियॉन्ड टू एफ बनती है, कितने प्रोजैक्टर हो गया या जिते अपन ऑब्जेक्ट की इमेज की हाइट वड्डी चाहिए इन लार्ज उत्थे आ जाएगी। ऑब्जेक्ट जो टू एफ से बनता है टू एफ से रखते हैं तो इमेज टू एफ से बनती है सेम साइज की बनती है ना, तो कितने यूज होंगे टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप्स के यूज होंगे। अजे आप टू एफ तो बियॉन्ड रखते हैं तो इमेज जी छोटी बनती है, ये कितने कैमरे के आ जो इनफिनिटी तो लाइट आती है इमेज बहुत ज़्यादा छोटी बनती है, तो वह कि है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के। आप छे केस स्टडी कर ले कि ऑब्जेक्ट में जे एफ तो टू एफ के रखिए, सॉरी पहले ऑप्टिकल सेंटर से एफ के रखे फिर एफ के रखे फिर एफ से टू एफ के रखे फिर टू एफ तो रखे फिर टू एफ तो बियॉन्ड रखे तो फिर आप इनफिनिटी रखे, तो उस तो बाद स्टडी किया कि कन्वैक्स लेंस वाले केस के पांच केसिस रीयल इमेज बन रही है, ओनली वन केसिस वर्चुअल इमेज बनती है कि जो आप ऑब्जेक्ट में फोकस तो ऑप्टिकल सेंटर के रखते हैं। कनकेव लेंस जिते मर्जी ऑब्जेक्ट रख लो ये हमेशा जो है वर्चुअल इमेज ही बना के दिता आप। ओके तो नैक्सट लैक्चर आप लेंस फार्मूले तो होगा, इसी करके मैं केस स्टडी की, क्योंकि उत्थे केस दे लेके डायग्राम लेके आप डेरिवेशन करा। ओके थैंक यू।